मान लीजिए चोरी तो दूसरी बात होती है, तो चोरी करने वाला आदमी सोचता है कि चोरी करके मैं राजा बनूंगा, तो चोरी करने वाला फकीरे रहता है, आदमी कितना वो चोरी कर ले। जो भी चीज सरकार में अधिकारियों की कमाई बहुत ज्यादा है, एक्चुअली है एकदम भूल के बुराई इसी का, उसी आदमी का बुराई होती है जो चलता है। शेर के मुंह से अगर शिकार छीन लिया जाए तो शेर उस गुस्सा में होकर के सोचेगे कि कब उसे पकड़ ले। तो मान लीजिए जो पहले के मान लीजिए जो विपक्ष है वो शेरे हैं, तो उन लोगों के मुंह से हम लोग पहली बार राजनीति में आकर के अगर हम लोग उस चीज को हासिल कर लिए तो भाई बहुत से आदमी का विपक्षी का हम जनता से पूछे तो विपक्षी से कुछ नहीं जानते हैं, विपक्षी से क्या मतलब है। गाजीपुर जिले के गोपालपुर के विनोद यादव जी हमारे साथ हैं और एक खास मुलाकात होगी, चर्चाएं होंगी। इससे पहले भी जब हमने इनसे बातें की थी बहुत सारे ऐसे काम हुए, एक मैं चाहूँगा उस कार्यों के बारे में बताएं और आगे और क्या योजना है। गाँव तक पहुँचाने में समर्थ रहते हैं इसलिए आपको धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि गाँव का जो भी है कार्य है, जो जो छूटा था थोड़ा बहुत छूटा था लेकिन वो हो गया है पूरा। गांव में एक सबसे महत्वपूर्ण योजना आई है जो मोदी जी का नल योजना, हर घर जल है। इसमें हमने हमारे गांव में जो नमीन पड़ती है बंजर भूमि है उसमें हमारा गांव बस चुका है। नेपाल से मैंने बहुत बार बोला तो गए कि ठीक है निकल जाएगा। वो लोग कह रहे हैं कि बंजर भूमि है नवीन पर्ती पे बनाइए, जिसका पट्टा है मान लीजिए तो हम नहीं बना सकते हैं। और गांव बस गया तो गांव जो भी चीज बसा हुआ चीज को उजाड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन बीच में कुछ डीएम साहिबा थी हर्षिता तिवारी जी के माध्यम से सूचित हुआ कि यहाँ पे है जमीन, उस चीज को करवाया गया, फिर मैंने आकर के पंडित जी लोगों ने बसवा दिए। लेकिन मैं हमारे आपके चैनल से यही वहां तक पहुंचाया जाए, डीएम एसडीएम जोगी तक यही तक पहुंचाया जाए कि जहां जो चीज है वहां जमीन है उस चीज को बनाया जाए कि हमारे गांव को शुद्ध जल मिले कि ताकि बीमारी से जो जूझ रहे हैं वो बीमारी कम हो। और बाकी चीज तो मान लीजिए गांव का जो भी गवर्नमेंट देती है उस चीज को हम लोगों को बनाने में असमर्थ, इसीलिए हमारे गांव चुनी, गांव हम लोगों को प्रतिनिधि रूप में चुना है, प्रधान बनाया है। तो हम लोग यही गर्व करते हैं कि अपना पेट ना भर पाए लेकिन गांव का काम सुरक्षित हो जाए। आज के जमाने में तो जानते हैं कि आदमी सोचता है कि हम कितना से कितना धन इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं जानते हैं कि धन इकट्ठा करने वाले में ऊपर वाले देखते हैं, ये नहीं जानते हैं कि उस धन को हम क्या करेंगे, उस धन को क्या करेंगे। धन जो भी चीज होता है मान लीजिए पहले का बहुत पढ़े हैं कि भगवान जिसको धन देते हैं तो ये कहते हैं कि गरीब आदमी में जितना बांटना है बांट दो, जो बांटो को फिर आएगा। लेकिन आज के जमाने में देख रहे हैं कि जिसके पास धन आ रहा है तो वो सोच रहा है कि कैसे करोड़ हो गया, ये कैसे अरब हो गया। बुराई इसी का, उसी आदमी का बुराई होती है जो चलता है। कई रंग से बुराइयां हैं, उसमें बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन उस चीज को मान लीजिए हम लोग मीडिया के अनुसार नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत सी बुराइयां हैं, बुराई कई किसी की होती है, किसी की तो है नहीं। गांव की बुराइयां मान लीजिए, देखिए कितना हूं अगर अच्छा काम हम करेंगे तो विरोधी लोग तो विरोध कर भी करेंगे। इसलिए कि जो कहावत है कि शेर के मुंह से अगर शिकार छीन लिया जाए तो शेर उस गुस्सा में होकर के सोचेगा कि कब उसे पकड़ ले। तो मान लीजिए जो पहले के मान लीजिए जो विपक्ष है वो शेरे हैं, तो उन लोगों मुंह से हम लोग पहली बार राजनीति में आकर के अगर हम लोग उस चीज को हासिल कर लिए तो भाई बहुत से आदमी का विपक्षी का हम जनता से पूछे तो विपक्षी से कुछ नहीं जानते हैं, विपक्षी से क्या मतलब है। हम जानते हैं कि कोई भी राजनीति अगर करता है मान लीजिए त्रियाल में जो भी चीज है अगर जो राजनीति करता है
तो राजनीति में आता है तो बहुत लोग किसी किसी का बात बोलते हैं, तो उससे मतलब नहीं है। हमारा जितना बजट आएगा उसी के अनुसार मैं काम करूंगा। न कोई आज तक चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो चाहे जितने नेतागण में जितने राजनीति में है, कोई अपने घर से नहीं देता है, ये मैं दावा कर रहा हूँ। कोई घर से देता है तो दिखावा है कि हम घर से देते हैं, जो गवर्नमेंट देगी घर से वही आदमी करता है। मान लीजिए जब तक राजनीति चली जाती है तो यही करता है कि जाकर के दुख सुख द्वार कर लेता है। और हम जितने हमारे गांव में हैं, जब से प्रधानी से 2 साल पहले से अब तक, चाहे किसी लड़की का शादी हो चाहे मरा हो, हमारा सोलह फूल रहता है। आज आदमी को यही चाहिए सुख दुख में शामिल हो। मैंने देखा अभी स्वास्थ्य ठीक भी नहीं है, नहीं है फिर भी गांव के कार्यों के लिए मैंने देखा है, वो कहना नहीं है, लोग भी कहते हैं, फिर भी परिवार की ओर से यार परिवार भी है लेकिन फिर भी गांव पहली प्राथमिकता। हमारा गांव पहली प्राथमिकता रहेगी और आगे भी रहेगा। आदमी सोचता है चलो ठीक है, हमारे गांव में बहुत लोग बोल रहे हैं, ऐसे भी बोल रहे हैं कि गोपालपुर गाँव है, थोड़ा ये बात नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं उन लोगों को पहुँचा देता हूँ कि कहता है कि कोई भी विभाग में एक बार प्रधान हुआ उसी विभाग के लिए तकलीफ होती है। तो मैं ये दावा कर रहा हूँ कि ये चीज को मैं गौर कर लिया हूँ। हम ये गौर करना चाहते हैं कि गोपाल गांव में एक बार के बाद दोबारा कोई प्रधान नहीं होता है नहीं। लेकिन इस बार यही मैं वही सोच रहा क्यों नहीं होता है, उस चीज को मैं अंजाद रहा था। 3 साल हो गया जाते हैं, 2 साल बाकी है लेकिन वो भी अंजाद चल जाएगा, बन जाएगा कि किस तरह से करना है। आदमी कहता है कि लोग बहुत से लोग कहते हैं कि अरे कमा लो नहीं तो एक बार के बाद दोबारा नहीं आना है। तो हमें अभी बता दे रहा हूँ माध्यम से आपके कह रहा हूँ कि प्रधानी का हमें मोह नहीं है। अब प्रधानी रहे न रहे आप उसी तरह आइएगा, इतना ज्यादा मरेंगे नहीं, उससे प्रधानी में जो करता हूँ अब प्रधानी के बाद भी करूँगा, देश का कल्याण हो जाएगा कि भारत इतना आगे पहुंच जाएगा। जिस दिन अगर जाति सूचक जिस दिन शब्द हट जाएगा उत्तर प्रदेश से भारत से, उसी दिन से हमारी भारत दुनिया में सबसे प्रथम स्थान नहीं रह जाएगी तो बताएंगे नहीं, लेकिन हटेगा तब तक। नहीं तो जाति सूचक को हम और आप लड़ते रह जाएंगे, कुछ होने वाला है नहीं, दूसरा मलाई काटेगा। ये कारण है जाति सूचक को, जाति सूचक शब्द मान लीजिए आदमी कहता है हिंदू हिंदू, किस पुराण में हिंदू लिखा है हमें दिखा देंगे हिंदू हिंदू क्या है। हम लोग तो मानते हैं हिंदू हिंदू कह रहे हैं, मान लीजिए सनातन है, ये मानता हूँ सनातन है, सनातन मान लीजिए सनातन तो हम लोग भाई सनातन में आएंगे, सनातन ये थोड़े कि सब हुए तो सनातन साधु कोई किसी का नहीं है, परिवार वाले साधु हैं कि उनके पास इतना नॉलेज है कि जो कुटी पर रह रहे हैं उनका भविष्यवाणी नहीं उनसे ज्यादा भविष्यवाणी बता देंगे, परिवार वाले हैं उनके बाल बच्चे हैं परिवार है सब कुछ है। जो कोई भी तप करना है मान लीजिए कहते हैं आदमी को कोई भी तप करना है, पहले का दादा बाबा बताते थे कि अगर शादी करने वाला अगर कोई तपमान बनता है शादी करने के बाद 40 वर्ष 50 वर्ष के बाद वो तप कोई भी करता है तो उसको तुरंत तो मतलब सिद्ध हो जाता है। आज जो नहीं शादी किया है उसका दिमाग भटकता है तो उसका जब तब सिद्ध नहीं होती है। और आगे क्या कहना है मतलब यही है कि जो भी चीज है उसको संज्ञान में पहले भी बता दिए हैं कि क्या क्या हमारे गांव में कमियां हैं। गांव के मतलब अम्बेडकर गांव घोषित था एक बार तो पूरा आरसीसी हो गया है, लेकिन ये सच्चाई है कि गाँव में जनसंख्या बढ़ने के कारण जिसका एक घर है उसके 5 बच्चे हैं, तो उस ढंग से मान लीजिए जैसे आदर्श नगर में जो कॉलोनी बनी है नया उद्भव नया की जिके मुख्यमंत्री पद पर थी तभी बना है, अगर इधर भी कहीं निकाल करके उस गरीब आदमी को दिया जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। मान लीजिए हम तो बनावा देते लेकिन भगवान उतना हमें पैसा ही नहीं दिए, तो हम तो सोचते हैं कि अगर जिस दिन पैसा आएगा तो मैं दिखा दूंगा गाजीपुर जिला जाने लगेगा, लेकिन हम लोग भी गरीब आदमी हैं, अधिकांश प्रधान गरीबी आदमी लड़ता है धनी मनी नहीं लड़ता, धनी मनी तो विधायक सांसद ही एमपी एमएलए वो मुख्यमंत्री के ख्वाबे देखेगा,
लेकिन गरीब आदमी ही ना प्रधान बनेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिन है कि आज मान लीजिए हम लोग को प्रधानी लड़ने का मौका मिल रहा है, चाहे कुछ कहीं बैठने का मौका मिल रहा है। अगर उनके संविधान में नहीं रहता तो जैसे आदमी कहता है पहले भी, मतलब आदमी क्षुद्र अछूत नहीं बनाते हैं, लेकिन क्षुद्र अछूत का परिभाषा जो नहीं जानता है वही क्षुद्र बनाता है, वो जान जाएगा तो नहीं बनाएगा। गाजीपुर जिले के गोपालपुर के ग्राम प्रधान एक ऐसा युवा चेहरा, लगातार गांव की जरूरतों, गांव के लोगों के साथ हमेशा सुख दुख में खड़े रहने वाले गोपाल यादव जी। और एक बातें उन्होंने साझा की गांव के विषय में, बहुत सारी बातें उन्होंने खुलकर बताई और अधिकारियों तक ये जरूर बातें जाए, एक सपना है। और उन्होंने कहा भी राजनीति में रहूंगा या नहीं, लेकिन गाँव के लिए जीवन भर मैं करता रहूंगा। होली की शुभकामना और चैनल की ओर से हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरीके से दिन रात तरक्की करते रहें। धन्यवाद।